बिफोर हेयर कलर एज यू कैन सी हेयर, जी हाँ 4 नंबर बेस है इनका, एंड आफ्टर एज यू कैन सी सच अ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग हेयर कलर विच नो ब्लीच, ब्लैक टू रेड एंड चॉकलेट ब्राउन हेयर कलर विदाउट ब्लीच, नो ब्लीच, यस गाइस सच अ ब्यूटिफुल हेयर कलर है ये. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. Hi, so like as you can see my hair, they are just absolutely amazing, and I would like to thank Sharma and team for such lovely hair and for such natural hair color. It was just like as expected, and you should definitely come here and visit this. It's just, I just love my hair. Thank you. Thank you so much for coming and trusting me. May God bless you, ma'am. Thank you. It's looking very settled. You can see very settled hair color. Yeah. Yes guys, once again welcome to Shyama's Makeover channel. How are you all? I hope I doing great. Kirkum achen apnara bhalo. So as you can see here, such a beautiful and amazing black to red chocolate brown hair color maine kaise kiya hai. Black color ko aapne red chocolate brown color karna hai, aur batana chahti hu guys is video mein maine without bleach hair color kiya hai. This is no bleach hair color, to video ko last tak dekhiyega. एंड बताना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा, एंड मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो देर किस बात की है, मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को. तो गाइस बताना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 11.60 एंड रूज मजेंटा. जी हाँ, 11.60 जो कलर है वो हल्का सा रेडिश चॉकलेट में है, बहुत ज़्यादा रेड नहीं है. एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे रूज मजेंटा इज़ लाइक अमेजिंग रेड कॉन्ट्रास्ट रेड हेयर कलर. एम यूजिंग 30 वॉल्यूम के साथ मिक्सिंग रेशो का 1:1.5. यस, एंड चलिए देखते हैं कि यू नो रूज मजेंटा 1:1.5 होगा, 11.60 1:2 होगा. और यहाँ पे जो अगर आप देखोगे सेक्शनिंग अच्छे से बॉक्स सेक्शनिंग क्या है, बैक साइड से अगर आप देखोगे, जी हाँ दो पार्टीशन में डिवाइड किया. और सबसे पहले ये है रूज मजेंटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाल टमाटर जैसा दिखता है भाई, ये रूज मजेंटा है. एंड दिस इज 11.60 जो कि हल्का सा पर्पलिश में दिख रहा है, जो कि हल्का सा चॉकलेट इफेक्ट देगा, रेड भी देगा, हल्का सा चॉकलेट भी देने वाला है. एंड गाइस बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मैं सेक्शनिंग कर रही हूँ, द सेक्शन इज़ लाइक मोर हैज़ टू बी डायगनल बैक सेक्शन. तो सबसे पहले जो सेक्शन होगा वो होने वाला है आपका डायगनल बैक सेक्शन. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 यू नो मोटे मोटे चंक्स, मतलब लाइक इट्स अ हाईलाइट्स ओनली. और बताना चाहती हूँ ये अगर आप कलर देखते हो, ये मैंने अपनी क्लाइंट को पैच टेस्ट दे दिया था, पहले पैच टेस्ट करके दिखाया कि कैसे लग रहा है आपको. तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर ही ऑन टॉप में इस कलर को कर रही हूँ, पहले पैच टेस्ट दिया और उसके बाद कलर कर रही हूँ, तो शी लव्ड इट. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पहले 11.60 राइट, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 11.60. तो गाइज मैं बात कर रही थी कि जब भी कोई भी कंफ्यूजिंग क्रिएट होता है, कुछ भी कंफ्यूजिंग होता है आपके क्लाइंट का और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा कलर करना है कौन सा नहीं, बहुत कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो बेटर है कि गिव हर पैच टेस्ट. पैच टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है, उसके बाद क्लाइंट जब आपको यू नो फाइनल करती है तो देन यू कैन गिव हर अमेजिंग हेयर कलर. पहले ही अगर ये कलर कर दोगे अगर पसंद नहीं आए तो बेटर जस्ट गिव हर पैच टेस्ट. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, दिस इज़ लाइक अगेन आई एम डूइंग हेयर अनदर सेक्शन 1, 2 एंड 3. यहाँ पे भी अगेन मैं 3 सेक्शन ले रही हूँ, बैक कमिंग कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं रूज मजेंटा यूज़ करूँगी. सो गाइस बताना चाहती हूँ, दिस इज़ कॉल्ड फॉलियाज टेक्निक. जो मैं इस टेक्निक को कर रही हूँ, ये टेक्निक है फॉलियाज टेक्निक. फॉलियाज टेक्निक वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक. जो फॉलियाज का क्या मतलब होता है, लाइक इज़ जस्ट यू हैव टू डू विद द हाईलाइट्स ओनली विद द फॉइल पेपर. बालियाज हाईलाइट्स कॉम्बिनेशन इज जस्ट कॉल्ड फॉलियाज राइट. एंड यस अगेन इफ़ यू सी हेयर, अगेन आई एम टेकिंग डायगनल बैक सेक्शन. तो इस तरह से आपने सारे सेक्शनिंग स्टेप बाई स्टेप करना है. तो इस सेक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी मैं, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 लेने चाह रही हूँ मैं. सो गाइज इसी तरह डीप नॉलेज के लिए आई गिव ऑनलाइन क्लासेज, और डेमोस्ट्रेशन क्लास के लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो. एंड इन दीज डेज आई हैव अ थर्ड बैच इज़ गोइंग ऑन, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन जस्ट जॉइन फॉर थर्ड बैच यू नो ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें कि आपकी और भी जितने भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होता है. और बताना चाहती हूँ गाइस कि इस तरह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 11.60. तो वन कलर हैज़ टू बी 11.60, वन हैज़ टू बी रूज मजेंटा.
स्टेप बाय स्टेप करना है, फॉलियाज टेक्निक कर रही हूँ एंड शी जस्ट गेटिंग हर हेयर कलर फर्स्ट टाइम एंड देन शी इज़ लिटिल कन्फ्यूज कि क्या कलर होना चाहिए नहीं होना चाहिए सिचुएशन में, जस्ट गिव हर पैच टेस्ट. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेज जस्ट कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 9871369576. जिस क्लासेस में मैं आप लोगों को आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ. और गाइस बताना चाहती हूँ कि यू नो बेसिक बिगनर्स के लिए होती है क्लासेस एंड बिगनर्स टू एक्सपर्ट बैच. एक बार ऑनलाइन क्लासेस के बाद आपको लाइफ में कभी भी कलर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. और जो मैं सिखाती हूँ मैं लॉरेल प्रोडक्ट से ही मोस्टली क्लासेस देती हूँ. लॉरेल का ही पूरी थ्योरी होती है बेसिक टू एडवांस. सो जस्ट गेट दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ 9871369576. एंड गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे कि किस तरह से मैं यू नो सेक्शनिंग ले रही हूँ डायगनल बैक एंड यू नो यहाँ पे 3 मैंने हाइलाइट्स लिया है और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रूश मजेंटा. तो फर्स्ट कलर हैज़ टू बी 11.60 एंड सेकंड वन हैज़ टू बी रूश मजेंटा. सो स्टेप बाय स्टेप आपने करना है. और अगर देखोगे यहाँ पे कि गैपिंग है और मैं यहाँ पे 3 inches नीचे से कर रही हूँ, बैक कमिंग कर रही हूँ. इतने डिटेल्स में मैं जब थ्योरी क्लासेस देती हूँ उसमें सिखाती हूँ कि चंक्स, हाइलाइट्स, फॉलियाज, ओमरे, बालिया, सोमरे, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं और किस टेक्निक के साथ आप कर सकते हो. चंक्स, हाइलाइट्स, फॉलियाज, ओमरे, सोमरे, बालियाज, फ्रेंच बालियाज, तो खैर दिस इज़ वेरी एडवांस नाउ दिस इज़ वेरी इन दिस डेज. बट येस बाकी सारी चीज़ें कवर होती है. नॉट इवन दिस यू नो 2 month का कोर्स ड्यूरेशन है एंड टाइमिंग रहती है 9:30 इन द इवनिंग. सो गाइस गेट दिस अपॉर्चुनिटी, इज़ रियली नाइस फॉर यू ऑल ऑफ यू एंड आई एम टेकिंग इंटरनेशनल क्लासेस इन दीज डेज. यहाँ पे अगर आप देखोगे आई एम टेकिंग डायगनल बैक सेक्शन एंड डायगनल बैक सेक्शन लेने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैक कमिंग कर रही हूँ. उसके बाद एक फॉइल पेपर नीचे लगाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये कलर जो मैं आपको अभी शो कर रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड 11.60 अगेन इट्स अ रेड कलर बट दिस इज लिटिल गिव्स चॉकलेट इफेक्ट एज वेल. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे हल्का सा चॉकलेट इफेक्ट दे रहा है, पर्पल दे रहा है, बट जब ये ब्लेंड होके आता है तो एक 11.60 चॉकलेट इफेक्ट देगा. और जो दूसरा कलर जो रूश मजेंटा है, एक्चुअल में दिस रूश मजेंटा इज गोना बी अमेजिंग रेड हेयर कलर एंड आई ऑल्सो गॉट इट डन बट येस माय ऑल कलर इज गॉन डन बट येस. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन आई एम टेकिंग डायगनल बैक सेक्शन एंड देन सेम थिंग यू हैव टू डू कंटिन्यू. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड कंटिन्यू. Finally, I finished from back side all of the hair and now I'm just taking diagonal back section from front side. मैं यहाँ पे diagonal back section ले रही हूँ front side से. यानी अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा gapping अच्छी है, अच्छे से teasing कर रही हूँ. Technically words में अगर आप बात करते हो so this is called teasing. और अगर आप normal बात करते हो this is called back coming. So technically word में you have to say teasing. Teasing करना है, 11.60 apply कर रही हूँ. And you can see जब भी application होता है make sure जो आप एकदम रूट से एप्लीकेशन नहीं करना है. इस टेक्निक में आपने रूट से छोड़ के 3 inches नीचे से करना है. मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं कहते हैं कि मैम हमने कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली है बट आपकी वीडियोस इतनी अच्छी होती है कि विदाउट टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और हम अपने क्लाइंट्स भी जब करते हैं तो रिजल्ट इज गोना बी अमेजिंग. तो यस
गेट दिस अपॉर्चुनिटी. और अगर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसके बाद इज़ गोना बी ऑसम फॉर यू ऑल ऑफ यू. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि एक सेक्शन हमने लिया 11.60 एंड दिस वन इज़ 11 आई मीन लाइक रोश मजिंटा. तो अगेन यहाँ पे अगर देखोगे आप सेक्शनिंग को कितने बारीक तरीके से सेक्शन ले रही हूँ 1, 2 एंड 3. यहाँ पे 3 ही लेना है, डिपेंड करता है. आप अगर पतले पतले बेबी लाइट्स भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की चॉइस पे. कस्टमाइज कलर आप आप उनको दे सकते हो जो भी चाहिए क्लाइंट को, वट एवर शी डिसाइडेड. क्योंकि मेरे पास पूरे कलर कैटलॉग होता है, मैं उसको पहले दिखाती हूँ, उसमें सिलेक्शन होता है, वीडियो से सिलेक्शन करती हूँ, तब जाके कंसल्टेशन पॉइंट जब स्ट्रॉन्ग होता है तब जाके आई गिव द अमेजिंग हेयर कलर. सो इट्स डिपेंड ऑन यू दैट हाउ यू कैन जस्ट प्लेसमेंट द कलर ऑन द हेयर. एंड फर्स्टली लास्टली आई वुड लाइक टू शेयर ऑल ऑफ यू गाइज की एप्लीकेशन एंड सेक्शनिंग इन सब का बहुत ही खास ध्यान रखना होता है जब भी आप ये कलर करते हो. एंड यस, सो यहाँ पे देखोगे कितना गैप से मैं नीचे नीचे कर रही हूँ, एटलीस्ट 1 इंचेस 2-3 इंचेस तक उसका नीचे तक मैं कर रही हूँ. और इसी तरह आपने नेक्स्ट सेक्शन जब आप लोगे उस तरह से लेफ्ट कंप्लीट किया आपने, राइट भी इस तरह से कंप्लीट करना है. अब आते हैं हम क्राउन सेक्शन में. क्राउन सेक्शन में अगर हम आएंगे ऑफकोर्स यहाँ पे डायगोनल नहीं लेना है, आपने हॉरिजॉन्टल ही लेना है, ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाला आपने जो है सेक्शन छोड़ना है, लास्ट वाला सेक्शन छोड़ना है. और इस तरह से आपने अपने जो है हाइलाइट्स को पिक करना है एंड इसको 90 डिग्री में उठा के और उसके बाद बैक कमिंग करना है और उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना. तो मैं गाइस बताना चाहती हूँ नीचे वाला फॉइल पेपर खोल के आपने देखना ज़रूर है कि कौन सा कलर आपने अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग आप इधर अप्लाई करोगे, राइट. तो हर एक चीज़ बहुत खास होता है हेयर कलर में. अब देखो यहाँ से मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि जो क्लाइंट का प्रायोरिटी था कि ज़्यादा उनको ऊपर से नहीं चाहिए था, शी जस्ट वांटेड ओनली बॉटम. तो जैसे जैसा प्रायोरिटी है वैसे ही हम लोग करेंगे, राइट. जैसे क्लाइंट को चाहिए उसकी प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट शी वांट्स. सो इस तरह से अप्लाई करना है. आफ्टर अप्लाई यू हैव टू डू कलर प्रोडक्शन शैम्पू कंडीशनर एंड स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे इनको बीची वेव स्ट्रेट कर रही हूँ. ये जो टोंग है विच इज़ कॉल्ड, द ब्रांड नेम इज़ आइकॉनिक मल्टी टोंग्स, इट्स रियली नाइस. अगर आप लोग ऑर्डर करोगे इज ऑसम. मुझे अभी तक वन ऑफ द बेस्ट टोंग मशीन मुझे यही लगता है. आइकॉनिक का ही मल्टी टोंग है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेज होते हैं. मैं मोस्टली यही साइज यूज़ करती हूँ विच इज़ कॉल्ड मीडियम साइज. और यहाँ पे मैं डायगोनल वर्टिकल सेक्शन ले रही हूँ. फ्रंट दोनों साइड के फ्रंट में वर्टिकल सेक्शन लेना है, बैक से डायगोनल बैक एंड डायगोनल बैक लेना है. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो सिखानी है आपको, ध्यान से देखिएगा. और इस तरह से सॉफ्ट आपने बीची वेव्स क्रिएट करना है एंड देन यू कैन सी वाओ सच अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल रिजल्ट एज यू कैन सी. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं अपने फिंगर्स से सॉफ्ट हैंड से इसको मैं सॉफ्ट कर रही हूँ, फिंगर्स अच्छे से क्रंचेस कर रही हूँ. और अगर आप देखोगे फ्रंट से ये थोड़ा सा ओपन हो गया था, उसको मैंने अच्छे से दोबारा से कंप्लीट कर दिया है. एंड एज यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल हेयर कलर जहाँ पे रेड एंड चॉकलेट का मिक्सचर कॉम्बिनेशन आ रहा है. और यस गाइस, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगता है ये ट्यूटोरियल तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उन बिगनर्स को भी सीखने को एक चांस मिल सके. कितने बिगनर्स हैं इस वर्ल्ड में जो लोग सीखना चाहते हैं. एंड दिस इज़ द चैनल दैट यू कैन लर्न वेरी इजिली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर. बाय गाइस. सी यू वेरी सून. बाय.